नमस्कार, तेज खबर 24 में आपका स्वागत है। चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर से कोरोना वायरस के कारण घर लौट रहे भारतीय छात्राओं की जांच भारत सरकार के आदेशानुसार की जा रही है। उसी क्रम में सीहोर जिले के नसरुल्लागंज क्षेत्र के ग्राम पलासी कला की एक छात्र एवं नसरुल्लागंज की एक छात्रा जो चीन से अपने घर लौट आए हैं, उन्हें स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में रखा गया है और लगातार उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मनीष सारस्वत ने बताया कि नसरुल्लागंज निवासी छात्रा जो पिछले माह 19 जनवरी को चीन से अपने घर लौट कर आई है, चीन में कोरोना वायरस का संक्रमण होने के कारण चीन से भारत आने वाले प्रत्येक भारतीय का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। बताया गया कि 4 फरवरी को भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है कि बीते 31 दिसंबर से लेकर 29 जनवरी तक चीन से लौटे भारतीय यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उनकी रिपोर्ट तत्काल देने को कहा है। लेकिन जो नसरुल्लागंज के छात्र एवं छात्रा हैं, उनका हमारे द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण करने पर किसी भी प्रकार के लक्षण नहीं पाए गए हैं, जिसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रतिदिन उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। सूत्रों के द्वारा पता लगा है कि चीन से जो छात्र आए थे, तो क्या उनमें कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं? जी नहीं, ये कोरोना वायरस के लक्षण नहीं पाए गए हैं। वो ये जो दो बच्चे जो अपने तहसील नसरुल्लागंज में आए हैं, ये शासन द्वारा जो 31 दिसंबर 2020 से लेकर 29 जनवरी 2020 तक चीन से जो आए हुए अपने यात्रियों में ये दो बच्चे पढ़ने गए थे, वहाँ से ये बालक आए हैं और वही बालकों का अपन स्वास्थ्य प्रशिक्षण कर रहे हैं और उनको स्वास्थ्य सुविधाएं और सावधानी के बारे में उनको उचित मार्गदर्शन हम परिवार को एवं आसपास के व्यक्तियों को दे रहे हैं। तो कब तक चलेगा सर ये परीक्षण? ये संपूर्ण रूप से उसमें जो हमें फॉलो अप दे दिया जाएगा उसकी गाइडलाइन के अनुसार, उसमें जो है प्रथम दिन से लेकर और 28 जब से हमें पता चला उस दिन से लेकर 28 दिन तक हम उनका स्वास्थ्य को देखेंगे, उनकी आसपास की जो साफ सफाई उसको दिखवाएंगे एवं उनको जानकारी देंगे कि इसमें हमें किस तरह उन बच्चों को रखना है और किस तरह को उनसे बचने हैं, उनके लिए क्या क्या सावधानी, वो उनकी जानकारी हम उनको देंगे। तो सर